फाइनली अब आप सबकी इंतज़ार की कड़ी खत्म होते हुए मैं आपको मिलाती हूँ हमारे फिल्म की एक और एक्ट्रेस जिनका नाम है रितु सिंह जी, जिसका हम ऑफ कोर्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और इनका इंट्रो कराते हुए हम आपको मिलवाते हैं रितु सिंह जी से। देखिए क्या हो रहा है, आधा सीन ख़त्म हो गया, पूरा क्लाइमेक्स ख़त्म हो गया, लेकिन हीरोइनों की जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो टचअप, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इन लोगों ने रुलाया है और इन्होंने बचाया है, तो मैं टचअप कर रही थी, आंसू सब बह रहे थे। तो हेलो प्रियंका जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरा इंटरव्यू ले। और अब रितु जी से कुछ बात करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत इंटरव्यू ले चुकी हूँ बहुत सारी बात करते हुए। अब रितु जी से पूछते हैं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर बहुत सिंपल सा है आपके, मैं अपोजिट हूँ आपकी, दुश्मन हूँ मैं थोड़ी सी उसमें, और बहुत सिंपल सा सरल सा कैरेक्टर है। एक ट्रायंगल लव स्टोरी है हमारी इस मूवी में, तो एक बहुत मुझे गुस्सा उस्सा नहीं आता इस पूरी मूवी में, बहुत अच्छी सी हूँ, पॉजिटिव थोड़ा सा थिंकिंग है जो कि है नहीं बस मज़ा आ रहा है शूट में, यही कैरेक्टर है हमारा। कैसा एक्सपीरियंस रहा संजीव जी हमारे जो डायरेक्टर हैं धीरू जी उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा। और एडवर्ड जी आप जानते हो कि प्रोड्यूसर हैं, उनकी पहली मूवी है, और डायरेक्शन में धीरू यादव जी का, तो उनके साथ ही मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इस मूवी के बाद। और खासकर आपके साथ और संजीव जी के साथ ट्यूनिंग बनाने में थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है, वो हम दोनों समझ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं वो भी बाय नेचर, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग हैं, अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो सिंह जी जिनका अभी लेटेस्ट गाना शायद आपने सुना ही होगा, लगा के फेयर एंड लवली जान लेवे कार पगली, प्लैनेट भोजपुरी।